हेलो एंड वेलकम। आज हम सिल्विया प्लाथ की पोएम द मून एंड द यू ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पोएम के टाइटल के बारे में बता देती हूँ। इस पोएम का टाइटल, जैसे कि मैंने पढ़ा, मून एंड द यू ट्री, तो वो मून मतलब चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में लिखती हैं और एक यू ट्री के बारे में लिखती हैं। तो ये यू ट्री क्या है? यू ट्री एक इस तरह के रहस्यमय मिस्टिकल पेड़ माने जाते हैं जो रेजरेक्शन का सिंबल माने जाते हैं। अब रेजरेक्शन क्या होता है? रेजरेक्शन होता है कि आप मृत्यु के बाद भी जीवित हो जाएं, उसे रेजरेक्शन कहते हैं। तो जैसे क्राइस्ट के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है कि वो मरने के बाद भी, मतलब अपनी बॉडी को छोड़ने के बाद भी दोबारा लाइफ में आ गए, तो वो एक रेजरेक्शन, एक जो सिंबल है, एक मिथ है, वो क्रिश्चियनिटी में बहुत मशहूर है। और यू ट्री जो होता है, यू ट्री अगर खराब भी हो जाए, जैसे उसकी लकड़ी पड़ी पड़ी मर भी जाती है, तो उसके अंदर से नए पेड़ निकलने लग जाते हैं, नए पौधे निकलने लग जाते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये मरने के बाद भी जीवन का प्रतीक है, रिजरेक्शन का प्रतीक है। और इस वजह से ये पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, नौ नौ हजार हजार साल जीते हैं, और चर्च यार्ड्स में, चर्चों में इनको उगाया जाता है। तो एक पवित्रता का भी प्रतीक है और एक प्योरिटी का भी प्रतीक है, मरने के बाद जीवित होने का प्रतीक है। तो एक बहुत पॉपुलरली पाए जाते हैं यूरोप में। तो अब मैं प्लाथ के बारे में बताती हूँ, उन्होंने ये पोएम क्यों लिखी। प्लाथ एक्चुअली एक राइटर्स ब्लॉक फेस कर रही थी कि वो लिखना चाहती थी लेकिन उनसे लिखा नहीं जाता था। और ये राइटर्स ब्लॉक बहुत से ऑथर्स ने, बहुत से पोइट्स ने बताया हुआ है कि उनको फेस करना पड़ता है कभी कभी। जैसे लियो टॉल्स्टॉय या जेके रोलिंग, उन्होंने बोला हुआ है कि हम कई बार एज राइटर्स बहुत लिखना चाहते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, उसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। तो एक समय ऐसा था जब प्लाथ भी कुछ लिख नहीं पा रही थी, तो उनके हस्बैंड टेड ह्यूग्स, जो खुद नेचर के बारे में पोइट्री करते थे, उन्होंने 1961 लास्ट के 2-3 साल सिल्विया प्लाथ की लाइफ के उन दिनों में टेड ह्यूग्स ने उनको बोला था कि आप देखो, खिड़की से देखो, एक यू ट्री दिख रहा है और एक मून दिख रहा है, आप उसके बारे में एज एन एक्सरसाइज, अभ्यास के तौर पे आप ये पोएम लिखो। तो ये देख के सिल्विया प्लाथ ने ये वाली पोएम लिखी थी। अब टेड ह्यूग्स पोएम इस तरह की लिखते थे, वो नेचर के बारे में पोइट्री करते थे, इसलिए टेड ह्यूग्स ने सिल्विया प्लाथ को इस तरह की अभ्यास या इस तरह की एक्सरसाइज करने को बोला था। टेड ह्यूग्स का स्टाइल डिफरेंट था, लेकिन सिल्विया प्लाथ क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री करती हैं, उनका अपना स्टाइल था कि वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत पोइट्री करती थी। इनफैक्ट उनकी बहुत सी जो पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पोएम्स हैं, या कि जो उनका नॉवल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उन सब में उन्होंने अपने अपनी ही लाइफ के बारे में अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा गया है, और वो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में खुल के बात करती हैं अपनी पोइट्री में और अपनी राइटिंग्स में। तो उन्होंने भी, चाहे उन्होंने ये मून और यूट्री को उठाया, लेकिन उन्होंने जब बात करनी शुरू करी, उन्होंने यूट्री और मून को अपनी मदर और फादर का सिंबल बना के इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करी। तो टेड ह्यूग्स का भी उन्होंने एक स्टाइल ले लिया, लेकिन किया जो उन्होंने, वो उन्होंने अपने ही स्टाइल का किया, उन्होंने अपने ही बारे में, अपनी ही लाइफ के बारे में पोएम लिखी। तो ये चीज़ हमें बाद में ह्यूग्स के जीवनी से या ह्यूग्स के अपने मेमोआ से पता चला कि उन्होंने ये वाली पोएम जो है एज एन एक्सरसाइज लिखी थी। तो ये पोएम बहुत सिंबॉलिक है, इसमें बहुत सी लेयर्स हैं, ये काफ़ी रहस्यमय, काफ़ी छिपी हुई, काफ़ी क्रिप्टिक है और ऑटोबायोग्राफिकल भी है। 7 लाइन स्टैंजाज हैं, हर स्टैंजा में 7 लाइनें हैं। तो आइए एक एक करके मैं स्टैंजाज और ये लाइनें पढ़ूंगी और आपको बताती रहूंगी कि इसके क्या सिंबलिज्म है। तो पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। दिस इज द लाइट ऑफ द माइंड, कोल्ड एंड प्लैनेटरी। द ट्रीज ऑफ द माइंड आर ब्लैक, द लाइट इज ब्लू, द ग्लास ग्रासेस अनलोड देयर ग्रीव्स एट माई फीट एज इफ आई वर गॉड, Prickling my ankles and murmuring of their humility, fumi spiritus mists inhabit this place. Separated from my house by a row of headshots, I simply cannot see where there is to get to. तो अब एक 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 करके मैं ये लाइनों के बारे में बताऊंगी। तो जो
सबसे पहले मून जो है सिंबल उनके मदर का है, यू ट्री उनका उनके फादर का सिंबल है, और क्योंकि वो अपनी ये इसके बारे में आप बात करती हैं, वो पोएम के बारे में बात अपने फैमिली के बारे में बात करती हैं, लेकिन ये जो कॉमेंट्री है ये रिलीजन के बारे में भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रिलीजन सिंबल्स भी वो यूज़ करती हैं। और सेटिंग क्या है, सेटिंग चर्च की है, वो बताती ऐसे हैं कि वो क्योंकि यूट्री चर्च में है तो वो चर्च के सिंबल्स यूज़ करती हैं, तो आपको बहुत से चर्च के भी सिंबल्स दिखेंगे, जैसे चर्च बेल्स दिखेंगी, या वो रेजरेक्शन के बारे में बात करेंगी, या वो स्पिरिचुअल डिलेमास के बारे में या गॉड के बारे में बात करेंगी, तो वो सब चीज़ों के बारे में इसी पोएम के माध्यम से बात करती हैं। सो सबसे पहले की जो दो लाइनें हैं वो कहती हैं, दिस इज़ द लाइट ऑफ द माइंड कोल्ड एंड प्लानिटरी, द ट्रीज ऑफ द माइंड आर ब्लैक एंड द लाइट इज ब्लू। तो जैसे ही हम ब्लैक और ब्लू कलर्स देखते हैं तो तभी हमें समझ में आ जाता है कि खुशियों भरा स्थान तो नहीं है ये, अच्छी ये खुशी वाली सेटिंग उन्होंने नहीं बनाई है। ब्लू लाइट जो होती है ये यू नो ब्लू लाइट एक इस चीज़ का प्रतीक है, आप दुख का प्रतीक है, कोई निराशाजनक बात का प्रतीक है। तो जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में फीलिंग ब्लू, तो आप जब निराशावादी फीलिंग कर रहे हो, फील कर रहे होते हैं कुछ, तो आप कहते हैं आई एम फीलिंग ब्लू, तो ब्लू लाइट एक निराशा का प्रतीक होती है, और ब्लैक तो हमें फिर मालूम है कि ग्रीफ का प्रतीक है। तो ये बोलती हैं दिस इज द लाइट ऑफ द माइंड कोल्ड एंड प्लैनेटरी, वो अपने दिमाग में सोच रही हैं कि ये मेरे माइंडस्केप है, ये मेरे दिमाग में जो चल रहा है ये है, और यहाँ पे कोल्ड और प्लैनेटरी उसको बताती हैं। प्लैनेटरी मतलब कोई प्लानिटरी तभी उसको कहते हैं जब वो थोड़ी सी इराटिक हो, अस्थिर हो। प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, वो अपने अनुसार मूव करते हैं, वो अपनी शर्तों के अनुसार मूव करते हैं, और कोई उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकता। तो कोल्ड एंड प्लानिटरी वो कहते हैं और कहती हैं, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही वो इस तरह से बिल्ड कर देती हैं कि हाँ वीराना है, ब्लीक है, बहुत डिजमल सी, बहुत ग्रिम सी सिचुएशन आएगी। और फिर कहती है ट्रीज ऑफ द माइंड आर ब्लैक, तो और साथ वाली लाइट जो है वो ब्लू है। तो ब्लैक जो है मैंने बताया कि ग्रीफ और फियर, मतलब कोई चीज़ दुखी करने वाली और कोई चीज़ आपको डराने वाली, दोनों चीज़ों का प्रतीक होती है। और जो ब्लू होती है वो ऐसी जगह का प्रतीक होती है कि जहाँ आपके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखता, आपके साथ कोई सिंपथी नहीं रखता। तो वो इस तरह का पिक्चर पेंट करती हैं सबसे पहले। तो अगली दो लाइनें हैं, ग्रासेस अनलोड देयर ग्रीव्स एट माई फीट एज इफ आई वर गॉड, प्रिकलिंग माई एंकल्स एंड मर्मरिंग ऑफ देयर ह्यूमिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, तो वो एक्चुअली क्या कर रही हैं, वो चर्च यार्ड में चल रही हैं, और चर्च यार्ड में चलते चलते जो नीचे वाली घास है उनके पैरों के ऊपर लग रही हैं। तो जैसे उनके फीट बेयर हैं, वो नंगे पाँव चल रही हैं, और उनके पैरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रास फीलिंग आ रही है। तो वो कहती हैं कि मुझे इतना पावरफुल इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे घास जो है वो इंसान हो, और वो अपने अपने बारे में चीज़ें मेरे ऊपर अनलोड कर रही हैं, मुझे बता रही हैं अपने बारे में, मेरे एंकल्स के ऊपर या मेरी एड़ियों के ऊपर अपनी चीज़ें मर्मर कर रही हैं ह्यूमिलिटी के साथ, अपने बारे में बहुत एक बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ के, अपना अहम छोड़ के मुझे सब कुछ बताती जा रही हैं, और मैं सुन रही हूँ जैसे कि मैं भगवान हूँ। तो और इस वजह से वो मेरे ऊपर अपना सारा ग्रीव जो है अनलोड कर रही हैं, अब मेरे ऊपर मुझे सब कुछ बता रही हैं। तो ये जैसे मैं बता रही थी कि ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये भगवान का या क्रिश्चियनिटी में अलग अलग सिंबल्स को भी बार बार यूज़ करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप विद गॉड को भी अलग अलग तरह से पिक्चर कर रही हैं इस वाले पोएम में। तो अगली तीनों लाइनें हैं, फ्यूमी स्पिरिट्स मिस इनहैबिट दिस प्लेस, सेपरेटेड फ्रॉम माई हाउस बाय अ रो ऑफ हेड स्टोन्स, आई सिंपली कैनॉट सी वेयर देर इज़ टू गो। अब क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये उन्हीं के घर के पास एक चर्चयार्ड का सीन है, और वो कह रही है कि मेरे घर में और जहाँ मैं खड़ी हूँ उन दोनों के बीच में ये हेडस्टोन्स हैं। और हेडस्टोन्स क्या होते हैं, कोई कोई ग्रेव होती है, उस ग्रेव को मार्क करने के लिए जो इंसान जिसकी मृत्यु हुई होती है, जो डेड इंसान होता है उसका नाम लिखा जाता है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। तो वो और जो उनका घर है उसके बीच में ये कुछ एक ग्रेव्स हैं। तो देखिए कि एक बड़ी
ग्लूमी पिक्चर पेंट कर रही हैं। आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे किसी शमशान घाट में जाते हैं या किसी ग्रेवयार्ड में जाते हैं, किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, तो आपको एक बड़ी ईरी सी फीलिंग, भयावह सी फीलिंग आएगी। तो वो उसी के बारे में बता रही हैं। फ्यूमी स्पिरिटस मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध, तो स्पिरिटस और मिस्ट मतलब ये ऐसी धुंध है जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस आपके पास हैं। वो ऐसी जगह पे खड़ी हुई है, सेपरेटेड सेपरेटेड फ्रॉम माई हाउस बाई रो ऑफ हेड स्टोन्स, आई सिंपली के नॉट सी वेयर टू गो टू। सो वो कह रही है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हेड स्टोन्स क्या होते हैं? वो रो ऑफ ग्रेव्स होती हैं। और वो कहती हैं आई के नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड दिस, विच मीन्स इसका दूसरा एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि मृत्यु के बाद और कोई लाइफ नहीं है, कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। आई सिंपली के नॉट सी वेयर टू गो टू, मतलब इसके बाद यही अंत है। तो फाइनली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यू जो है वो मैंने जैसे आपको बताया था आफ्टर लाइफ का सिंबल है। और यहाँ पे क्योंकि ये कमेंट्री कर रही है चर्चयार्ड में और साथ में ये भी बोल रही है कि आफ्टर लाइफ नहीं होती है, तो यू ट्री का सिंबलिज्म और इस चीज़ का ये जो कथन है, ये जो कह रही है, इस अटरेंस का सिंबलिज्म थोड़ा अलग जाता है, पर ये रिलीजन के ऊपर उनकी कॉमेंट्री है। अब मैं अगला स्टैंजा पढ़ती हूँ और पहली लाइन है। अब यहाँ पे वो अपनी फैमिली के बारे में बोलती हैं। सबसे पहले वाले स्टैंजा में वो सेटिंग पेंट करती हैं, पहले वाले स्टैंजा में जो कि हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे वो अपना जो उसकी सेटिंग है, वो जहाँ पे खड़ी हुई है उसके बारे में बता रही हैं, उसके बारे में बात कर रही हैं। लेकिन अगले वाले स्टैंजाज में, ये जो स्टैंजाज हैं यहाँ पे, ये अपनी फैमिली के बारे में, अपनी मदर के बारे में, अपने फादर के बारे में इस तरह से वो बात कर रही हैं। तो आगे पढ़ते हैं। द मून इज नो डोर, इट इज द फेस, इट हैज अ फेस इन इट्स ओन राइट, वाइट एज अ नकल एंड टेरिबली अपसेट। It drags the sea after it like a dark crime. It is quiet with an O gap of complete despair. I live here. Twice on Sunday, the bells startle the sky, eight great tongues affirming the resurrection. At the end, they somberly bong their names. Now, what does this mean? Now, again, आपको लगेगा कि बड़ी हैवी सिंबलिज्म है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये कहाँ पहुँच गए। तो सबसे पहले हम अगले स्टैंजा में जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये अब हम अपनी मदर के बारे में बात कर रही हैं। तो यहीं से हम समझ लेते हैं द मून इज नो डोर, मतलब वो अपनी मदर के बारे में कह रही हैं। तो मून इज द सिंबल ऑफ हर मदर, उनकी मदर का प्रतीक है। और वो कह रही हैं कि उनकी माँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा उनकी माँ के बारे में बता देती हूँ। ऑरेलिया प्लाथ जो थी, सिंगल मदर थी। सिल्विया बहुत छोटी थी और ऑरेलिया, सिल्विया का छोटा भाई भी था और ऑरेलिया भी एक यंग मदर होंगी जब तब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो सिल्विया प्लाथ भी छोटी थी, उनका भाई भी छोटा था, और उसी समय ऑरेलिया प्लाथ को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी। तो क्लियरली एज अ सिंगल पेरेंट आप इमेजिन कर ही सकते होंगे कि उनकी लाइफ जो थी, सिल्विया प्लाथ का बचपन भी और ऑरेलिया प्लाथ का टाइम भी उस समय का मुश्किल रहा होगा, और वो काफ़ी स्ट्रेस में रही होंगी। तो कहीं ना कहीं, हालांकि हमें मालूम है कि सिल्विया प्लाथ अपने बाकी के जो वृत्तांत लिखती हैं या उनकी अदरवाइज जो लाइफ स्टोरी है, ये जब जो लेटर्स अपनी मदर को लिख के बताती थी, हमें पता है कि वो बहुत क्लोज थी अपनी मदर के साथ, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि बचपन में उनको थोड़ा सा निग्लेक्टेड फील होता था। अब इस तरह से अगर कोई बच्चा वैसे ही अपने एक पेरेंट जिसका नहीं हो और छोटी एज में उसको इतना ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, उनके फादर नहीं थे, और वो ये भी लिखती हैं कि उनके फादर के साथ उनके बहुत ही प्रेम का अभाव था उनके फैमिली में। अपने फादर के साथ वो बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप में थी। वो डैडी वाली पोएम में अपने फादर के बारे में, एक डिस्टेंट रिलेशनशिप के बारे में लिखती हैं। वो काफ़ी काफ़ी डार्क पिक्चर्स पेंट करती हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। खैर, तो यहाँ पे वो अपनी माँ के बारे में बोलती है। द मून इज़ नो डोर, इट हैज़ अ फेस इन इट्स ओन राइट, मतलब अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि वो बंद हैं, वो बहुत बिजी हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और उनका अपना एक चेहरा है, उनकी अपनी एक लाइफ है। इट हैज़ अ फेस इन इट्स ओन राइट। नाउ अगर आप देखें
तो मून का भी एक चेहरा होता है ना, हम बच्चों के अब बच्चों को कभी भी मून की कहानी सुनाते हैं तो हम कहते हैं ना कि देखो मून का एक फेस है, इस तरह से भी कई बार मून नजर आता है। तो मून हैज नो डोर, मीनिंग मून इज नॉट सपोज टू मेक यू फील वेलकम, वो आपको हमेशा ही वेलकम फील नहीं करता, उसका अपना एक फेस होता है। उसके बारे में बोलती है वाइट एज अ नकल एंड टेरेबली अपसेट। अब वाइट जो वर्ड वाइट है, जो कलर वाइट है, उसके बारे में भी सिल्विया प्लाथ ने बहुत सी पोइम्स में लिखा हुआ है, और वाइटनेस को एक लाइफलेसनेस का वो प्रतीक मानती हैं। और डैडी पोएम में भी वो जो एक एक जगह वो कहती हैं कि एक टो है जो शू में पड़ा हुआ, जैसे पैर की उंगली शू में बंद हुई 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 सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल लाइफलेस हो जाती है, उसी तरह वो वाइट को लाइफलेसनेस का प्रतीक मानती है, स्टेरिलिटी का, इनफर्टिलिटी का प्रतीक मानती है। और एक पोएम ट्यूलिप्स में भी वो वाइट को इसी तरह से प्रोजेक्ट करती हैं। तो यहाँ भी वो वाइट कह रही हैं, वो कह रही हैं वाइट एज अ नकल एंड टेरिबली अपसेट। तो हो सकता है उनकी मदर और उनका रिलेशनशिप आपस में थोड़ा सा गर्मा गर्मी चलती हो, तो वो कहती है कि कि वाइट एज अ नकल एंड टेरिबली अपसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहती हैं इट ड्रैग्स द सी आफ्टर इट लाइक अ डार्क क्राइम, इट इज क्वाइट विद एन ओ गैप ऑफ कंप्लीट डिस्पेयर, आई लिव हियर। अब वो कहती हैं कि अब जैसे आप देखते हैं कि मून की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो अर्थ के ऊपर जो भी सी है वो घूमता है, ऐसे ही हमें टाइड्स मिलते हैं, ऐसे ही हमें ज्वार और भाटा मिलते हैं कि मून की ग्रेविटी के अनुसार हमारा सी जो है वो मूव करता है, तो इस वजह से आपका सी का जो लेवल है वो बदलता है। तो वो इसी इमेज को उठाती हैं और वो कहती हैं कि देखो वैसे नॉर्मली आप मून को बड़ा फेमिनिन, बड़ा प्यारा, बहुत ही लव के साथ देखते हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि मून में इतना पावर है कि अर्थ का पानी जो है इधर से इधर वो घसीटता रहता है। तो यहाँ पे वो मून को एक एक अलग ही इमेजरी दे रही हैं, एक अलग ही पावर दे रही हैं, और वो कहती हैं कि मून घसीटता है अपने पीछे सी को, एज इफ इट्स अ डार्क क्राइम, जैसे कि कोई अपराध, कोई बहुत ही गंदा सा अपराध कोई कर रहा हो, इस तरह से वो सी को अपने पीछे पीछे खींच के लेके जाता है, ड्रैग करके घसीट के लेके चला जाता है। तो मून को जहाँ फेमिनिनिटी का एक प्यारा सा प्रतीक माना गया है, स्त्री जैसा प्रतीक माना गया है, यहाँ पे मून को ही, उसी मून को वो एक काफ़ी भयानक सा सिंबलिज्म दे रही है। और वो कहती है कि जैसे देर इज एन ओ गैप इन द मून, आप ऐसे देखोगे कि जैसे मून जो है ना ओ बोल रहा है, और ओ के अंदर वो कहती है कि मैं इस ओ गैप में रहती हूँ, मैं इस जगह पे रहती हूँ जहाँ मून ओ कह रहा है, मतलब वो अपने आप को बहुत ही ऐसे कहती है कि जब मैं बहुत ही डिस्पेयर में हूँ, तो वो ये कह रही है आई लिव हियर विद एन ओ गैप ऑफ कंप्लीट डिस्पेयर, आई लिव हियर। ठीक है, अब यहाँ से वो चर्च की सिंबलिज्म में चली जाती है और वो कहती है ट्वाइस ऑन संडे द बेल स्टार्टल द स्काई, एट ग्रे टंग्स अफर्मिंग द रेजरेक्शन, एट द एंड दे सोम्बली दे सोबली बोंग आउट देयर नेम्स। तो अब ये क्या है, यहाँ पे वो रिलीजन के ऊपर कमेंट्री करती हैं और वो कहती हैं कि समहाउ जो रिलीजन है वो जो हम अब धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी, स्पेशली वो क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि चर्च के बारे में बोल रही हैं, वो चर्च के बारे में बोलती हैं कि वो इम्पर्वियस है, जैसे उसके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोगों के दुख का, लोगों की सफरिंग का रिलीजन के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो ये कहती है रिलीजन इज़ इम्पर्वियस टू द एक्चुअल नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरतों का, लोगों की आवश्यकताओं का रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर कोई असर ही नहीं होता, और वो एक तरह से ओपेक है, जैसे वो बिल्कुल ही अपारदर्शी है, अस्पष्ट है। और भगवान के बारे में वो इस तरह की पिक्चर पेंट करती हैं कि जैसे भगवान, जैसे सबसे स्टार्टिंग में भी वो पिक्चर कहती हैं कि जैसे मैं भगवान हूँ और मैं चल रही हूँ, और ज़मीन पे लोग अपने रोने रो रहे हैं और मुझे अपना ग्रीफ बता रहे हैं और मैं कुछ नहीं करती, राइट, वो चलती रहती हैं। तो उसी तरह से वो यहाँ भी कहती हैं कि जैसे चर्च बेल्स जो हैं रिजरेक्शन के बारे में ज़ोर ज़ोर से बोलती रहती हैं कि भगवान वापस आ गए, रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है, बट एट द सेम टाइम दे आर बोंगिंग आउट देयर ओन नेम्स, बोंग आउट देयर नेम्स, क्योंकि यहाँ पे वो रिलीजन का सिम्बलिज्म लेके कहती हैं कि जहाँ भी इंस्टीट्यूशन पावर, कोई भी पावर का इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी पावर का संस्थान होता है, रिलीजियस संस्थान होता है,
वहाँ लोग चमचागिरी के वजह से अपना भी नाम बढ़ा करते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि जो बेल रिंग कर रही है, जो बेल सपोज टू बी वो अपना भगवान का नाम बोलना चाहती है, लेकिन वो साथ में वो अपना भी नाम, अपनी भी प्रेजेंस शो करती है। तो वो एक जैसे चमचागिरी का प्रतीक है। किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन में छोटे छोटे लोग होते हैं जो उसी की बढ़ाई करते हुए अपने आप को भी पुश करते हैं, तो वो इस तरह की पिक्चर पुट करती है। तो ये इंटरप्रिटेशन निकलती है उनके इस तरह के चर्चा से, जहाँ पे वो कहती हैं कि मून एक मून का कोई डोर नहीं है, मून मून बहुत अपसेट है, मैं यहाँ मून में रहती हूँ, मैं बहुत डिस्पेयर में हूँ। और साथ ही में वो कहती हैं ट्वाइस ऑन संडे यहीं पे भगवान के नाम की जो घंटियाँ बजती हैं, भगवान के नाम की जो भी बातें होती हैं, वो रेजरेक्शन कहती तो है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई डीप सिंबलिज्म नहीं है। अब हम अगले स्टैंजा पे आ जाते हैं। अब ये देखिए, अब पहला स्टैंजा हमने कर लिया, दूसरा स्टैंजा भी हमने कर लिया। पहले वाले स्टैंजा में वो लाइफ के बारे में, वो सेटिंग के बारे में बात करती हैं। दूसरे स्टैंजा में वो अपनी माँ के बारे में बात करी है। अब तीसरे स्टैंजा में आ जाते हैं, यहाँ पे वो यूट्री के बारे में बात करती है, मतलब अपने फादर के बारे में बात करती है। और वो कहती है द यूट्री पॉइंट्स अप, इट हैज़ अ गॉथिक शेप, द आईज लिफ्ट आफ्टर इट एंड फाइंड द मोशन, द मून इज माई मदर, शी इज़ नॉट स्वीट लाइक मैरी, हर ब्लू गार्मेंट्स अनलूज स्मॉल बैट्स एंड आउल्स, हाउ आई वुड लाइक टू बिलीव इन द टेंडरनेस, द फेस ऑफ द एफिजी जेंटल बाय कैनल्स कैंडल्स बेंडिंग ऑन मी इन अ पर्टिक्युलर इट्स माइल्ड आईज। सो शी अगेन, वो अपनी माँ और बाप के बारे में, माँ और अपनी मदर और फादर के बारे में दोबारा बातें करती हैं। अब देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। द यूट्री पॉइंट्स आर इट्स अ गॉथिक शेप, द आईज लिफ्ट आफ्टर इट एंड फाइंड द मून। अब ये वाली जो पोएम है ना, उन्होंने डैडी से पहले पहले लिखी है। तो डैडी के में वो अपनी फादर के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में अलग अलग चीज़ें लिखती हैं, और ये उन्होंने उससे पहले लिखी थी। तो यहाँ पे उनके फादर की थोड़ी सी प्रेजेंस है, बाकी फिर से वो अपनी मदर के बारे में बातें करने लग जाती है। द यूट्री पॉइंट्स अप, इट हैज़ अ गॉथिक शेप, मीनिंग कि ये जो यूट्री है वो ऊपर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और उसकी गॉथिक शेप है, मतलब एक उसकी भयानक सी शेप है। गॉथिक इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। अब ये देखेंगे, ये जो गॉथिक आर्किटेक्चर है वो इन एनी केस फेरी टेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ड्रैकुला जैसे नॉवेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह का आर्किटेक्चर, जब बड़ा सा कोई किला जैसा हो और वहाँ पे अकेली एक लड़की हो, तो उसको गॉथिक नॉवेल्स में भी इस तरह के ट्रोप्स हमेशा होते थे। तो मतलब वो भयानक पिक्चर हमेशा होती है गॉथिक आर्किटेक्चर में या गॉथिक सिंबलिज्म के साथ जुड़ी हुई। तो वो जब कहती है यूट्री पॉइंट अप, इट इज़ अ गॉथिक शेप, द आईज लिफ्ट आफ्टर इट एंड फाइंड द मून, तो मतलब वो उसके फादर और मदर का कॉम्बिनेशन बता रही है। तो द यूट्री इज द फादर, सो उन्होंने डैडी जो लिखी थी बहुत बाद में लिखी थी, पर वो हमें मालूम है कि उनके उनके फादर के साथ एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप था। और गॉथिक आर्किटेक्चर के साथ भी जो मैंने बताया कॉनोटेशंस जो हैं उसके साथ की जुड़ी हुई जो सिंबलिज्म है वो भयानक होती है, उसको सुपरनेचुरल पैरानेचुरल चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। तो जब वो कहती हैं द मून हैज़ अ गॉथ द ट्री पॉइंट्स आप यू ट्री हैज़ अ गॉथिक शेप, तो वो अपने फादर को इसके साथ कंपेयर कर रही है। अगली लाइन फिर आ जाती है द मून इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट स्वीट लाइक मैरी, हर ब्लू गार्मेंट्स अनलूज स्मॉल बैट्स एंड आउल्स। नाउ मदर मैरी इज सपोज टू बी, जो मदर मैरी की जो जब भी हम मदर मैरी को देखते हैं, उनके सा उनके उनके पिक्चर्स में या उनके इमेजेस में या उनके स्कल्पचर जो बने होते हैं, हमेशा एक सॉफ्ट सी लाइट होती है, वो प्यार से नीचे देख रही होती हैं, उनके फेस पे एक बहुत ही करुणा का, एक बहुत ही प्यार का भाव हमें नज़र आता है। लेकिन वो ये कहती हैं द मून इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट स्वीट लाइक मैरी, वो मेरी की तरह स्वीट नहीं है, हर ब्लू गार्मेंट्स अनलूज स्मॉल बैट्स एंड आउल्स। बैट्स एंड आउल्स देखो, एक अगेन वो भयानक गॉथिक इमेजरी के साथ जुड़ी हुई हैं। बैट्स और आउल्स जो है वो भयानक लिटरेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो वैसे भी पहले भी ब्लू बोल चुकी हैं, ब्लू गार्मेंट्स बोल चुकी हैं, ब्लू लाइट बोल चुकी हैं। तो वो उनकी मदर के बारे में कहते हैं कि वो मदर मेरी के जैसी स्वीट भी नहीं है, और वो ब्लू गार्मेंट्स पहनती हैं और उसके अंदर से बैट्स निकलते हैं और आउल्स निकलते हैं। वो तो फिर मून को वो इस तरह की पिक्चर पेंट करती हैं जो आपको मून
भयानक भी हो सकता है, मून प्यार का रोमांस का प्रतीक भी हो सकता है, और मून के साथ वेयरवुल्व्स की कहानी भी जो वेस्टर्न लिटरेचर में बहुत पॉपुलर है वो भी मून्स के साथ जुड़ी हुई है, बैट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो फोक लिटरेचर में, वेस्टर्न लिटरेचर में मून को भयानक चीज़ों, इवन इंडियन लिटरेचर में, इंडियन पॉपुलर लिटरेचर में मून को भयानक चीज़ों के साथ भी जोड़ा गया है। तो वो ये कर रही है, वो कह रही है कि मेरी माँ मेरी की तरह प्यारी नहीं थी, पर वो मून की तरह या भयानक मून की तरह डर इंड्यूस करती थी, मुझे डराती थी। और वो कहती है कि वो चाहती है, नाउ नेक्स्ट लाइन जो मैं पढ़ रही हूँ, हाउ आई वुड लाइक टू बिलीव इन टेंडरनेस, द फेस ऑफ द एफजी जेंटल बाय कैंडल्स बेंडिंग ऑन मी इन पर्टिकुलर इट्स माइल्ड आइज। वो कहते हैं मैं बिलीव करना चाहती हूँ कि मेरी माँ इतनी जेंटल हो, वो टेंडरनेस के साथ मुझे देखे, उनकी फेस के ऊपर इस तरह की लाइट हो, जेंटल बाय कैंडल्स इस तरह की लाइट पड़ रही हो कि उनकी शैडोज, वो शैडो में वो और भी प्यारी लगें, और मुझे प्यार से इतनी माइल्ड आइज के साथ देखें। और वो कहती है, बट वो कहती है कि नहीं, मैं इन चीज़ों में चाह करके भी मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर सकती। अगले स्टैंडा में जैसे ही हम पहुँचते हैं, वो कहती है आई हैव फॉलन अ लॉन्ग वे, क्लाउड्स आर फ्लावरिंग ब्लू एंड मिस्टिकल ओवर द फेस ऑफ द स्टार्स। तो वो कहती है मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, मैं अपनी माँ को इस नज़र से देख ही नहीं सकती, मैं उनको नहीं देख सकती, मैं चाह कर के भी नहीं इमेजिन कर सकती कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार से देखेगी, इतना प्यार करेगी, मदर मेरी की तरह बेनेवोलेंट मेरे साथ होगी। तो वो कहती है आई हैव कम, आई हैव फॉलन अ लॉन्ग वे, क्लाउड्स आर फ्लावरिंग ब्लू एंड मिस्टिकल ओवर द फेस ऑफ द स्टार्स। सो देर इज़ लिटिल, और फिर यहाँ पे फिर से वो चर्च के बारे में बात करती हैं, इन साइड द चर्च द सेंट्स विल ऑल बी ऑल ब्लू फ्लोटिंग ऑन देयर डेलिकेट फीट ओवर कोल्ड प्यूज, देर हैंड्स एंड फेसेस स्टिफ विद होलीनेस, द मून सीज नथिंग ऑफ दिस, शी इज़ बोल्ड एंड वाइल्ड, द मैसेज ऑफ द यू ट्री इज ब्लैकनेस, ब्लैकनेस एंड साइलेंस। तो ये लास्ट का स्टैंजा है। देखिए ये पोइम बहुत छोटी है, लेकिन हर लाइन में, हर सेंटेंस में वो बहुत सी सिम्बलिज्म छुपाए हैं और बहुत सी मुश्किल वर्ड्स भी इस छुपाए हैं। तो एक एक करके हम इसको डिकोड करते हैं। आई हैव फॉलन अ लॉन्ग वे, क्लाउड्स आर फ्लावरिंग ब्लू एंड मिस्टिकल ओवर द फेस ऑफ द स्टार्स। तो क्या कह रही है, वे क्लाउड जो है लाइट के सामने आते जा रहे हैं, तो क्लाउड अगर लाइट के सामने आ जाएंगे, स्टार्स की लाइट को ब्लॉक कर देंगे, तो नीचे तो अंधेरा रह जाएगा। तो वो कहती है कि मैं इतनी आगे आ गई हूँ कि मैं लाइट देख ही नहीं पाती हूँ, मैं चाह कर के भी एक अच्छी चीज़ नहीं देख पाती हूँ, मैं अपनी मदर को प्यार भरी नज़रों से नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि आई हैव कम सच अ लॉन्ग वे, और जो क्लाउड्स हैं उन्होंने स्टार्स की लाइट को छुपा दिया है, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, ब्लू एंड मिस्टिकल ओवर द फेस ऑफ द स्टार्स। तो क्लाउड्स आर ब्लू और स्टार्स चाहे लाइट दे भी रहे हों, लेकिन अब ब्लू लाइट ने, क्लाउड्स की वजह से हर चीज़ ब्लू हो गई है, और ब्लू जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अब निराशावादी चीज़ों का प्रतीक है, तो और तन्हाई का प्रतीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, वो कहती है इन साइड द चर्च द सेंट्स विल बी ऑल ब्लू फ्लोटिंग ऑन देयर डेडिकेट फीट ओवर कोल्ड प्यूज, देयर हैंड्स एंड फीट फेसेस स्टिफ विद होलीनेस। अब वो ये कह रही है कि इन साइड द चर्च द स्टार्स विल बी ऑल ब्लू, सारे स्टार्स, अब इन यू नो चर्च के अंदर भी इस तरह की पेंटिंग्स होती हैं कई बारी, बहुत सी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं और उनके ऊपर बहुत सी पेंटिंग की हुई होती है ग्लास के ऊपर ही। तो कहते हैं इट विल ऑल बी ब्लू, द सेंट्स विल बी ऑल ब्लू, तो उसके ऊपर कई बारी सेंट्स की जो पिक्चर्स बनी होती हैं, पेंटिंग्स बनी होती हैं, आम चर्च में आप सेंट्स की बहुत सी पेंटिंग्स देखेंगे, स्पेशली आप यूरोपियन चर्चेस में बहुत सी सेंट्स की पेंटिंग देखेंगे, ऊपर उनकी सीलिंग पे पेंटिंग्स देखेंगे, उनके सीलिंग के पास वाली जो एक डोम बना होता है उसमें खूब सी पेंटिंग्स देखेंगे, दीवारों पे पेंटिंग्स देखेंगे, खिड़कियों पर भी पेंटिंग्स देखेंगे, स्कल्पचर तो देखेंगे ही देखेंगे, आप बहुत सी पेंटिंग्स देखेंगे। तो वो कहती हैं, और वो सारे सेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी में, जो भी अलग अलग तरह के सेंट्स आए हैं, अलग अलग नामों के सेंट्स आए हैं, सबके अलग अलग इमेजेस आप देखेंगे, कहीं क्राइस्ट के भी होते हैं पर बहुत से सेंट्स के भी होते हैं। तो वो कहती हैं
कि इनसाइड द चर्च द सेंट्स विल बी ऑल ब्लू. अब सेंट का क्या काम है चर्च में करने का, लोगों को काउंसिल करने का, लोगों को गाइड करने का. तो कहते हैं सेंट्स विल बी ऑल ब्लू. सेंट्स विल बी ऑल ब्लू का मतलब है कि वो सेंट जो है वो सांत्वना नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो ब्लू है. अगेन ब्लू, एज मैंने आपको बताया कि ब्लू इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रिमनेस, ब्लू इज़ अ सिंबल ऑफ ऑफ ग्रीफ, ब्लू इज़ अ सिंबल ऑफ समथिंग बींग अनसिम्पथेटिक टू यू, राइट. तो फिर वो कहती हैं द लाइट विल फॉल ऑन द पार्ट ऑफ द चर्च वेयर ऑल द बेंचेज आर देयर. तो ये जो प्यूज होते हैं, कोल्ड प्यूज होते हैं, ये बेंचेस को प्यू कहते हैं. तो प्यूज के ऊपर जो लाइट भी पड़ रही होगी, वो भी जो सेंट्स हैं, द सेंट्स विल बी ऑल ब्लू फ्लोटिंग ऑन देयर डेलिकेट फीट ओवर कोल्ड प्यूज. तो ठंडी चेयर्स के ऊपर उनकी डेलिकेट फीट पड़ रहे होंगे. तो मतलब कोल्ड प्यूज क्यों है, अगेन यू नो वो कह रही है कि रिलीजन आपको सांत्वना नहीं दे सकता है. सेंट्स ब्लू हैं और चर्चेस की जहाँ पे आप बैठते हैं वो ठंडी है. ठंडी मतलब कोई भी चीज़ आपके साथ सिंपथी ना दिखाए तो उसको कोल्डनेस का प्रतीक माना जाता है. तो वो कहती हैं कि कहीं भी उनको वार्मथ नहीं मिलती, कहीं भी उनको सिंपथी नहीं मिलती, तो रिलीजन से उनको होप नहीं मिल पा रहा है. और वो कहती हैं द मून सीन्स सी इज नथिंग ऑफ दिस, शी इज बॉल्ड एंड वाइट. तो वो कहती हैं कि मून जो है वो कुछ भी नहीं देख रहा है. और वो आगे जाके मून जो है वो किसी को भी सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं करेगा, वो आपको आपको सांत्वना नहीं देगा. तो मैं ये फिर से लाइंस पढ़ती हूँ. आई हैव फॉलन अ लॉन्ग वे, कोल्ड क्लाउड्स आर फ्लावरिंग ब्लू एंड मिस्टिकल ओवर द फेस ऑफ द स्टार्स. इन साइड द चर्च द सेंट्स विल बी ऑल ब्लू फ्लोटिंग ऑन देयर डेलिकेट फीट ओवर कोल्ड प्यूज, देयर हैंड्स एंड फेसेस स्टिफ विद होलीनेस. नाउ स्टिफ विद होलीनेस वो क्यों कहते हैं, वो कहती हैं कि वो सेंट्स इतनी इतने वो पवित्र हैं कि वो अपनी पवित्रता के वजह से ही वो हो गए हैं कि वो कठोर हो गए हैं, इतने पवित्र हैं कि वो कठोर हैं. तो वो कहती हैं कि दे सेंट्स एंड दे हैंड्स एंड फेसेस आर स्टिफ विद होलीनेस. तो वो इस वजह से कोई सांत्वना कोई होप नहीं दे पाती हैं, ठीक है. और लास्ट की 3 लाइनें हम फिर से पढ़ते हैं. मून सीन्स नथिंग ऑफ दिस, शी इज बॉल्ड एंड वाइल्ड, द मैसेज ऑफ द यू ट्री इज ब्लैकनेस ब्लैकनेस एंड साइलेंस. अगेन वो वापस अपने मदर और फादर की सिंबलिज्म के ऊपर आ जाती हैं. वो कहती हैं द मून इज बॉल्ड एंड वाइट, मतलब गंजी है और जंगली है. तो जैसे कि मून को आप और या मदर की इमेज को आप कैसे आप पोर्ट्रे करेंगे, नॉर्मली आप उसको बोलेंगे कि वो प्यारा है, वो सुंदर है. और बालों का प्रतीक जो होते हैं, बाल फेमिनिनिटी का प्रतीक होते हैं. और किसी को सुंदर बोलना हो, किसी औरत को आपने सुंदर बोलना हो, तो आप हमेशा उसके बालों का वर्णन करेंगे. बाल क्योंकि फर्टिलिटी का प्रतीक होते हैं. तो वो कहते हैं बाल बॉल्ड एंड वाइट, जैसे कि बाल ना हो और वो वाइल्ड, वो जंगली हो. तो द मून इज द इमेज ऑफ द मदर, जो जिसके पास कभी भी अटेंशन नहीं थी देने के लिए. तो मून सीज नथिंग ऑफ दिस, वो नहीं देख पाती हैं कि उनको होप नहीं मिल रहा है. और वो फेमिनिनिटी की इमेज से दूर हैं, बोल्ड एंड वाइल्ड कहती हैं. और मैसेज ऑफ द यूट्री इज ब्लैकनेस ब्लैकनेस एंड साइलेंस. तो यूट्री अगेन उनके फादर का सिंबल है और यूट्री जो है इज अ सिंबल ऑफ ब्लैकनेस. इट इज ईरी, इट इज वो भयानक है और वो ईविल है, वो बुरा है. एंड ब्लैकनेस एंड साइलेंस तो ग्रीफ और साइलेंस का प्रतीक है, ग्रीफ और चुप्पी. तो फाइनली हम देखते हैं जो फाइनल इमेज जो हमारी बन के आती है इस साथ लास्ट के सेंजा से भी, वो आइसोलेशन की बात करती है. वो बात करती है किसी के चुप रहने को की बात करती है. वो किसी के अकेलेपन की बात करती है, वो चुप्पी की बात करती है, वो लोनलीनेस की बात करती है, किसी की तन्हा रहने की बात करती है. तो वो कहती हैं कि और ये कोई भी चीज़ उनको उदासीन कर देती है, उनको सांत्वना नहीं दे पाती, उनको सॉलेस नहीं दे पाती. उनकी मदर से, उनके फादर से, कहीं से भी उनको सांत्वना, उनको सॉलेस, उनको प्यार नहीं मिल पाया. तो ये यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है. वो कहती हैं ब्लैकनेस एंड साइलेंस.
अब हम बिल्कुल लास्ट के बारे में आप ये बता देती हूँ कि ये पोएम जो थी अपने टाइम के लिए थोड़ी सी, इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी रेडिकल थी। आज के दौर में हम काफ़ी देखते हैं कि लोग अपनी लाइफ के बारे में बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, पर ये 2023 है। जब सिल्विया प्लाथ ने ये पोएम लिखी थी तो वो 1960s में थी, 1961 62 में ये पोएम लिखी गई है, और उस समय अपनी चाइल्डहुड निगलेक्ट के बारे में बात करना या चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करना बहुत न्यू था, बहुत डिफरेंट था। तो ये उन्होंने जो पोएम लिखी है बहुत बोल्ड पोएम लिखी है, और चाहे हम आज के टाइम में बहुत से लोगों को देख रहे हैं जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में खुल के बात करते हैं, लेकिन अपने समय में उन्होंने ये करके, अपने बारे में बात करके एक नया एक नई तरह की कविता का को बिगिन किया था। और टेड ह्यूग्स, जैसे मैं उनको आपको बताया, टेड ह्यूग्स के साथ मैंने एक और भी वीडियो की हुई है जिसमें मैंने उनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। तो टेड ह्यूग्स के साथ उनकी बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, बहुत दुखी थी उस रिलेशनशिप में भी। और ये आयरनी की बात है, वह अपने मदर और फादर के बारे में तो बहुत सी पोइम्स लिखती हैं, और उनको बहुत काफ़ी कुछ कुछ हद तक ब्लेम भी करती हैं, अपनी माँ को भी ब्लेम करती हैं, पर जब हम उनकी लेटर्स पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि उनकी माँ के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन उनके हस्बैंड के साथ धीरे 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 वो बहुत अलग हो गई थी, और टुवर्ड्स द एंड वो अकेले अपने बच्चों को संभाल रही थी, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के जा चुके थे, और वो थ्रू आउट द टाइम मेंटल इलनेस को भी बहुत फेस करती हैं, और कहीं भी उनको होप नहीं नज़र आता। तो वो रिलीजन के बारे में भी इस वजह से कहती हैं कि रिलीजन अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है, वो लोगों को ठीक गाइडेंस, ठीक फेथ, होप नहीं दे पा रहा है। तो वो ह्यूमन कंडीशन के बारे में भी, कि जो लोगों की एक्चुअल फीलिंग्स हैं वो उसके उसको भी बयान करती हैं अपनी पोएम के थ्रू। तो ये थी हमारी पोएम। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। और ये पोएम थोड़ी मुश्किल है तो इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको और कोई पोएम भी हिंदी में समझनी है। मैं शौक़ रखती हूँ पोएम्स को हिंदी में और इंग्लिश में अच्छे से समझाने का, अगर आपको कोई और भी पोएम हिंदी में समझनी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगैन फॉर अनदर वीडियो।